सिडनी के मैदान में आया पंत का तूफान, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ध्वस्त किए कई रिकॉर्ड। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने चोटिल होने के बावजूद सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनकी 118 गेंदों में 97 रन की शानदार पारी से ही टीम का मनोबल बढ़ा और सिडनी टेस्ट ड्रॉ हो पाया। चौथी पारी में बल्लेबाजी करते हुए इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ने चौके छक्के की बरसात कर दी। बल्लेबाजी क्रम में ऊपर उतरे पंत ने मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को उबारने के साथ ही रिकॉर्डों का अंबार लगा दिया। उन्होंने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए। पंत अब भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। वह ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर टेस्ट में 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बन गए हैं। इसके अलावा अब फारूक इंजीनियर के बाद दूसरे भारतीय विकेटकीपर हैं जिसने विदेशी जमीन पर 500 रन पूरे किए हैं। इंजीनियर ने वेस्टइंडीज में ये कारनामा किया था। भारत का ये युवा विकेटकीपर अब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाला एशियाई विकेटकीपर भी बन गया है। पंत से पहले ये रिकॉर्ड भारत के ही सैयद किरमानी के नाम था, जिन्होंने तब 771 रन बनाए थे। ऋषभ पंत नाथन लोयन की गेंद पर आगे बढ़कर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। वे मात्र 3 रन से अपने शतक से चूक गए। इस मामले में भी उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे टेस्ट की चौथी पारी में नर्वस 90 में आउट होने वाले दुनिया के तीसरे विकेटकीपर बन गए हैं। पंत से पहले रोड मार्श और मुर्फीकुर रहीम के साथ ही ऐसा हो चुका है। बात करें पंत की सिडनी टेस्ट में खेली गई आज की पारी की, तो उन्होंने आउट होने से पहले 118 गेंदों में 97 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 3 तूफानी छक्के भी लगाए। पंत ने पुजारा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 148 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी भी की। फ्रेंड्स, आपका पंत के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।